उत्तर प्रदेश के जेल जल्द ही कुछ नए बदलाव के बाद सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कारागारों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें कारागार सुधार की दिशा में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने जिला कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की बात कही और प्रदेश में नए प्रिजन एक्ट तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मौजूदा समय में जेल और जेल में बंद कैदियों के संबंध में अंग्रेजों के जमाने का कानून प्रचलित है। जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 लागू है। ये दोनों अधिनियम देश की आजादी के पूर्व से प्रचलन में हैं। अंग्रेजों के सामने से लागू ये दोनों अधिनियम बदलते परिवेश और बंदियों के पुनर्वास की सुधारात्मक विचारधारा के अनुकूल नहीं है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कहा है कि समय की मांग है कि जेल कानून में बदलाव होना चाहिए और इसी को लेकर उन्होंने प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नए प्रिजन एक्ट में क्या बदलाव होगा, तो आइए जानते हैं। महिला कैदियों और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग से सुविधा मिलेगी। नए जेल अधिनियम में क्या बदलाव होगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नए रूल बनेंगे। पेरोल और फर्लो देने का नया नियम होगा। अच्छे आचरण पर कैदियों की सजा माफी में बदलाव होगा। महिला कैदियों और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग से सुविधा मिलेगी। कैदियों का आचरण में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा। जेल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले कैदियों को सजा मिलेगी। हाई सिक्योरिटी ओपन जेल और सेमी जेल बनाया जाएगा। समय से पहले रिहाई के लिए जेल कानून में नया प्रावधान होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मॉडल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार किया है। ये मॉडल एक्ट कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए काफी कारगर माना जा रहा है। अब इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश के कारागारों के लिए नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।